हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हां दोस्तों, अब जिन भी उपभोक्ताओं को बिजली बिल से हो रही थी परेशानी, उनके लिए आ चुका है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हां, यहां पर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, वह भी भारी भरकम छूट के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक नई पहल है, एक नई योजना है, जिससे आप सोलर रूफटॉप योजना जो है का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या क्या आप करेंगे जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने आ चुका है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया एक विज्ञापन, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आवासीय परिसरों के लिए विशेष सब्सिडी है। तो 2 किलोवाट तक के लिए आपको 30,000 रुपये प्रति किलोवाट की छूट जो है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट। तो 18,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की जो छूट है वो गवर्नमेंट देगी, बाकी आपका आपकी जेब से रुपए लगने हैं। उसके बाद 3 किलोवाट से बड़ी प्रणालियों की कुल सब्सिडी जो है 78,000 रुपये तक रखी गई है। आपको बता दें कि यह एक अनुमानता सब्सिडी है और अनुमानता लागत है। इसकी सटीक जानकारी तो केवल कंपनी ही दे सकती है जो आपके घर में आपकी छत पर सोलर रूफ को सेट करेगी। आपको बता दें कि घरों के लिए उपयुक्त छत और सौर संयंत्र की जो क्षमता है वो कुछ इस प्रकार है। तो औसत मासिक बिजली खपत अगर किसी के यहाँ 0 से 150 यूनिट है, तो वहाँ पर 1 से 2 किलोवाट क्षमता की सोलर प्लांट जो है बैठाया जा सकता है, जहाँ पे सब्सिडी आपको 30,000 से 60,000 रुपये के बीच में मिलती है। जो भी लागत आती है उसका 60% जो है गवर्नमेंट आपको देगी, 40% आपको अपने से देना होगा। यदि आपकी औसतन खपत मासिक जो है 150 यूनिट से 300 यूनिट आती है, तो आपके लिए उपयुक्त जो है 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की सोलर प्लांट की क्षमता जो है आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको 60,000 से 78,000 के बीच की जो है सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, बाकी आपको जितना भी है खर्च आपको अपनी जेब से वहन करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में 300 यूनिट से अधिक, जी हाँ दोस्तों, 300 यूनिट से अधिक यदि आपके यहाँ उपयोग होता है, तो यहाँ 3 किलोवाट से ज़्यादा क्षमता का सोलर प्लांट बैठाया जाएगा, जहाँ टोटल सब्सिडी जो है रुपए में 78,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, और उसके अलावा जो भी लगना है रकम वह आपको अपनी जेब से देना होगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोलर रूफटॉप लगवाने हेतु आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं http://pmsurghar.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 1912 या फिर 1800-233-1266 पर। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी। तो इसके तहत दोस्तों 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इसमें सरकार की तरफ से 30,000 से 78,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो अब सोलर कैपेसिटी अगर 1 किलोवाट है, तो अगर अनुमानतः कुल खर्चा 50,000 का आता है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी आपकी 30,000 रुपये की रहेगी और ग्राहक लागत जो है 20,000 की हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यदि आपकी 2 किलोवाट की कैपेसिटी है, तो कुल खर्च 1 लाख आता है, जिसमें से 60% यानी कि 60,000 गवर्नमेंट देती है और 40,000 आपको अपने से वहन करना होगा। सेम यही है 3 किलोवाट के लिए, 3 किलोवाट का कुल खर्चा जितना है उसमें 60% गवर्नमेंट देगी और बाकी आपको लगाना होगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी जो है अनुमानित लागत है, सटीक जानकारी जो कंपनी सोलर पैनल लगाएंगी वही आपको बता सकती हैं। ठीक, अब जिस उपभोक्ता को यह सोलर पैनल लगाना है उसके नाम से बिजली कनेक्शन होना चाहिए, पिछले 6 माह में से किसी 1 माह का बिल जो है अपलोड होगा, साथ ही उपभोक्ता का छत कम से कम 136 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, 136 स्क्वायर फीट का आपका छत होना चाहिए जहाँ पे आपको सोलर पैनल जो है लगवाना है। तो यह दोस्तों आपको सोलर पैनल की जो है विशेष जानकारी हम आपको इस वीडियो पर दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।